गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक यूज ऑफ इज एम आर। हम इसका एक पार्ट बना चुके हैं, उसके अंदर हमने सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको कहते हैं। तो आज हम उन्हीं का पार्ट को आगे शुरू करते हैं और उसका जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर आज बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। हमने सिंपल सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं, उसका जो नियम था सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब थी जो इज एम आर, ठीक है, वाक्य में इसमें मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगी, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट यानी कि यहां पर यूज करेंगे। तो रूल था एस वी ओ, ठीक है, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये था। आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमने इसकी वीडियो बनाई है, आप उसको डिटेल से पढ़िए। सेंटेंस का हमने पूरा चैप्टर क्लियर किया है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उस सेंटेंस में आज का जो हमारा है वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो आज हम नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे, सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक वाक्य बोल देता हूं, मैं तैयार नहीं हूं। अब आपने देखा इसके अंदर शब्द आया है नहीं, नहीं का मतलब क्या होता है, नोट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं का मतलब नोट। तो नोट हम सीधे यूज नहीं करेंगे, कहां पर लगाएंगे, सबसे पहले अगर मैं इसको यहां से नहीं को मिटा दूं तो क्या बनेगा, मैं तैयार हूं। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है कि जैसे आई एम रेडी। आपने सेंटेंस बनाए हैं पिछली वीडियो में, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी लिख के और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड किया है। अब सेंटेंस बन गया आई एम रेडी और पीछे फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसमें हमारा रूल बन जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम हमारा जो इज एम या आर है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सब्जेक्ट जो हमारा आई है, एम हमारी वर्ब होगी और रेडी हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना, हमने नोट का प्रयोग करना है। तो इस सेंटेंस जो मैं तैयार नहीं हूं क्या बन जाएगा इसका, आई एम नोट रेडी, आई एम नोट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग व्यस्त नहीं हैं। हम लोग मतलब वी, क्या बनेगा इसका, वी, उसके बाद क्या लगाना हमने, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वी के, वी जो है एक प्लूरल नाउन है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, सॉरी वी जो है एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का, वी आर, और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, वी आर नोट, और व्यस्त को जो इंग्लिश में बोलते हैं बिजी, वी आर नोट बिजी, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वी आर नोट बिजी, वी आर नोट बिजी, क्लियर है। उसके बाद तुम बुरे नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो। तो इससे पहले हमने क्या बनाया था, यू आर बैड, तो इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका, यू, और यू के साथ क्या लगती है हमारा आर, ठीक है, बहुवचन है ये, आर का मतलब होता है या हो। यू आर नॉट बैड, आप बुरे नहीं हो, ठीक है। इसके बाद हमारा सेंटेंस है, वे आलसी नहीं है। आलसी का मतलब होता है लेजी, तो क्या बन जाएगा, वे, वे मतलब दे,
ठीक है। दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, आर का, ठीक है। बहुवचन है ना ये, बहुवचन के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं। दे आर नोट, दे आर नोट लेजी। और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गाय काली नहीं है, ठीक है। क्या बनेगा इसका, द काउ इज क्यों आया, क्योंकि गाय एक वचन है। एक वचन के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, इज के साथ, और एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ। द काउ इज नॉट ब्लैक, द काउ इज नॉट ब्लैक, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम शब्द है हमारा, यह मजबूत नहीं है। मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग। यह को हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस आपको देंगे, आपने उनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर। मैं सिंपल सेंटेंस बोलूंगा, आपने उनको इंग्लिश के अंदर नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो हमारा वाक्य है, वह बच्चा है, वह बच्चा है। आपने इसको पहले इसकी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर है ना। यस। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा वो है, राम एक विद्यार्थी है, ठीक है। राम एक विद्यार्थी है। आपने इस सेंटेंस का पहले सिंपल सेंटेंस बनाना है और फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, आप विद्यार्थी की जब इंग्लिश बनाएंगे तो वहां लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, यह सफेद है, यह सफेद है। सफेद मतलब वाइट, ठीक है। आपने इसका भी सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है, वे मेरे दादाजी हैं, ठीक है। दादाजी मतलब ग्रैंडफादर। तो आपने इसको भी सिंपल और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इतना ही है। आपने, मैंने चार सेंटेंस दे दिए हैं, चार के कितने बनेंगे, आठ, क्योंकि सिंपल और जो आज का हमारा टॉपिक था नेगेटिव सेंटेंस, आपने ये दोनों वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।